नमस्ते, मेरा नाम शशि है। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक मजेदार कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है अनोखा घोंसला। इस कहानी को लिखा है कविता सिंह ने और इस कहानी का चित्र बनाया है पार्थोसेन गुप्ता ने। ठंड आने वाली है, इसलिए चिड़िया घोंसला बना रही है। वह तिनका तिनका लाती और उनको ठीक से जमाती। बड़ी मेहनत से घोंसला बना, सुंदर व नरम घोंसला। वह बहुत खुश है, सोच रही है कि ठंड में आराम से रहेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी लगा उसका घोंसला हिल रहा है। सोचा शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन फिर जोर जोर से हिलने लगा। वह झटपट उड़ी, उड़ते ही घोंसला गिर गया। उसने देखा एक हाथी पेड़ से पीठ खुजा रहा है। हाथी को खूब बुरा भला कहा उसने। एक नई जगह ढूंढी जहां हाथी ना आ सके। फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। जल्द ही नया घोंसला बन गया और वह फिर आराम से लेट गई। तभी उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वह घबराहट में झट से उड़ी। वे आंखें एक आदमी की थी। उसने घोंसला फेंक दिया, फिर पुताई करने लगा। चिड़िया ने आदमी को भी बुरा भला कहा और दुखी मन से उड़ चली। वह उड़ती जा रही थी। तभी उसे एक गुब्बारा दिखा, फिर दूसरा। नीचे देखा तो बहुत सारे गुब्बारे। गुब्बारों को देखकर वह खुश हुई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने फिर से घोंसला बनाया, एक अनोखा घोंसला जहां कोई उसे परेशान ना करे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना? तो चलो अब इस कहानी पर थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या आपने चिड़िया का घोंसला देखा है? अच्छा, यकीन है आप सबने चिड़िया का घोंसला देखा होगा। तो सोचो, चिड़िया घोंसला क्यों बना रही है? और इस कहानी में चिड़िया ने अपना अनोखा घोंसला कैसे बनाया? सोचो सोचो। तो बच्चों, बस इतनी सी थी घोंसले की कहानी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।